दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर गुलाम नबी आझाद, मेहबूबा मुफ्ती आणि असदुद्दीन ओवैसी यांनी काय प्रतिक्रिया दिल्यात बघूयात. युनानिमस जजमेंट थी, ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ. 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर. उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है. इससे हमारी स्टेट की इकॉनमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे. हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म और वो लिमिटेड लोगों के लिए है. हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती. जाहिर स्टेट बहुत छोटी है, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज्यादा बढ़ेगी. आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आरजी है, इसलिए इसको हटाया गया. ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है. आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है. नहीं, आज जो फैसला आया, हम उससे मुतमईन नहीं हैं. और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है. तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का. और जो एब्रोगेशन, बाइफरकेशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर की आवाम को वादा किया था. मैं पहले भी कहूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.